भाजपा का मतलब अब भगदड़ पार्टी हो गया है। मुख्यमंत्री जी अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बोम्मई साहब उनके मंत्रीगण हैं वो अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। बोम्मई जी की फोटो पहले इतनी बड़ी होती थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, अब वो इतनी रह गई है। कि मुख्यमंत्री जी अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बोम्मई साहब उधर जो उनके मंत्रीगण हैं वो अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, सब अपनी अपनी सीट छोड़कर भाग रहे हैं। भाजपा में भगदड़ मच गई है। भाजपा का मतलब अब भगदड़ पार्टी हो गया है। तो अब जब भगदड़ ही मची है और कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता, तो कभी वो राउडी शीटर जो हैं और कभी फिल्म स्टार्स और फिल्म एक्ट्रेस, अब वो उन पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि ना बोम्मई जी को कोई सुनने आता, ना नड्डा जी को सुनने आता, ना मोदी जी की सभाओं में भीड़ आती, और अमित शाह जी की तो सारी कुर्सियां खाली रह जाती हैं। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी पैनिक स्ट्रिकन है, और ये इसलिए है कि 40% कमीशन से पूरे कर्नाटक को लूट कर, PSI जॉब स्कैम से, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम से, असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम से, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जॉब स्कैम से युवाओं का भविष्य लूटकर, जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो सब बिरादरियों का, सब कम्युनिटीज़ को बरगलाने के लिए SC ST रिजर्वेशन लाए। वो 56% हो गई, मोदी सरकार ने उसे खारिज कर दिया। तो वो लिंगायत्स का अपमान कर रहे हैं, वो कालिगा समाज का अपमान कर रहे हैं, बैकवर्ड समाज का अपमान कर रहे हैं, SC ST OBC समाज का अपमान कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ का अपमान कर रहे हैं। उन्हें अब कुछ नहीं मिल रहा, तो वो हर रोज़ एक नया शगुफा लाते हैं और हर रोज़ वो शगुफा फेल हो जाता है। अब सबसे नया शगुफा है महाराष्ट्र और कर्नाटक का टकराव करवाना, महाराष्ट्र की स्कीम को कर्नाटक में जबरन लागू करना। क्या इस प्रकार की बचकानी बातों से वो प्रदेश का ध्यान भटका पाएंगे? जवाब नहीं में है। तो ये सही नहीं कि हम विदाउट फेस जा रहे हैं। हमारे विपक्ष के नेता हैं श्री सिद्धारमैया, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री DK शिवकुमार, और हमारे कैंपेन कमेटी हैं, काउंसिल लीडर हैं, दूसरे साथी हैं, चेहरे के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये दोनों चेहरा नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कर्नाटक में कौन है? बोम्मई जी की फोटो पहले इतनी बड़ी होती थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, अब वो इतनी रह गई है, पोस्टर पर नज़र नहीं आती। तो चेहरा कौन है उनका बताएं? बोम्मई जी चेहरा हैं या फिर पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी चेहरा हैं, या फिर CT रवि चेहरा हैं, या फिर बेल्लाद चेहरा हैं, या फिर यत्नाल चेहरा हैं? सब एक दूसरे को गालियां निकालने में लगे हैं और एक दूसरे को काटने में लगे हैं, प्रदेश की तरक्की जाए भाड़ में। आपने कई नाम गिना दिए, इसमें प्रहलाद जोशी का नाम आपने लिया। उनका कहना है कि सरकार बनाने के लिए तो मैंडेट की जरूरत होती जा रही है, तो क्या अपने लिए भी कोई संभावना देख रहे हैं वो? देखिए, प्रहलाद जोशी जी बहुत डेस्परेटली विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं कर्नाटक की अगली विधानसभा में, पर उसके लिए नंबर तो चाहिएगा, क्योंकि 40% कमीशन सरकार की तो 40 सीट आने वाली नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं प्रहलाद जोशी जी के, बहुत दिन से पाले हुए हैं। अब अगर मोदी जी उनकी बात सुनते नहीं, भाजपा उनकी बात सुनते नहीं, तो अपना गुस्सा और खिसियाहट हम पर क्यों उतार रहे हैं भैया? अपनी पार्टी से लड़ो कि वो आपको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे।
आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, आवर पार्टी इज ऑल्सो फीलिंग कंफर्टेबल दैट आवर पार्टी दिस टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 130 सीट्स एंड कांग्रेस पार्टी वुड कम बैक टू पावर विथ कंफर्टेबल मेजोरिटी ऑन इट्स ओन. People are telling that they have decided to change the government, and I hope that 100% the people of Karnataka will grace the Congress party. Will you contest from second seat, sir? I am contesting from Orna, because Orna is cleared by Congress High Command. What about Kolar, sir? Kolar people, the people of Kolar, not that I am interested to contest, but Kolar people, they want me to contest from Kolar.